वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री पेयर के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपना फीस कैसे भरे घर बैठे ऑनलाइन, आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि घर बैठे फ्री पेयर की मदद से अपना फीस कैसे भरें। सिंपली हम गूगल की तरफ आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं फ्री पेयर। जैसे हम यहाँ पे फ्री पेयर लिखेंगे तो हमारे सामने पहला वेबसाइट जो शो होगा कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। फ्री पेयर आपको दिख रहा है, मैंने अभी जूम कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके वेबसाइट में हम चले जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना स्कूल इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, स्कूल और कॉलेज। आप स्कूल का भरना चाहते हैं तो स्कूल पे क्लिक कीजिए, अगर आप कॉलेज में हैं और कॉलेज का भरना चाहते हैं तो कॉलेज का क्लिक कीजिए। मैं सिंपली कॉलेज का क्लिक करता हूँ और यहाँ आप जब स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराते वक्त जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वही मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कीजिए, या फिर आप ईमेल आईडी के ज़रिए भी इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूँ और उसके बाद अब आपको सेंड ओटीपी जो आपको दिख रहा है वो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ओटीपी एंटर करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर लिया हूँ। अब नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमें सबमिट दिख रहा है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हम स्टूडेंट के प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम जो आपको दिख रहा है और उनका आईडी नंबर, ये दोनों शो होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट कौन से कॉलेज में पढ़ता है, उन कॉलेज का लोगो उनका नाम यहाँ शो होगा। और यहाँ पे आके उनका प्रोफाइल पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं वो कौन से क्लास में है, कौन सी ईयर में 2023-2024 यहाँ दिख रहा है, और क्लास BSc यहाँ दिख रहा है, और स्टूडेंट का पूरा नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इन बच्चे का कॉलेज का फ़ीस 7500 है। तो यहाँ पे हम फीस को पे करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है पे नाउ। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे हम प्रोसीड टू पे जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको तीन तरह के पेमेंट दिख रहे हैं। पहला आपको कार्ड से कर सकते हैं, दूसरा आप नेट बैंकिंग के कर सकते हैं, तीसरा आप यूपीआई आईडी की मदद से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना फीस कार्ड के थ्रू पे करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले कार्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, मंथ एक्सपायर, एक्सपायर ईयर, CVV सब डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कार्ड की पूरी डिटेल मैंने फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे पे नाउ, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर में पे नाउ, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग हो रहा है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज में पहुंचा देगा। यहाँ पे हमें OTP फिल करना है, जो OTP हमारे बैंक की तरफ से आएगा। तो चलिए हम OTP फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक OTP फिल हो चुका है और यहाँ जो आपको सबमिट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। सबमिट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और आपका नाम और ट्रांजेक्शन ID लिख के आ चुका है। उसके बाद आपको अगर आपका स्लिप डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो अभी पेमेंट किए हैं उसका स्लिप आ जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आज तक मैंने कितना पेमेंट किया है, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर मैंने कितना पेमेंट किया, वो सब आप यहाँ पे माय पेमेंट स्टेटस पे जाकर देख सकते हैं कि आपने आज तक कितना पेमेंट किया है। और फी रिसीप्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे आप अपना स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्लिप शो होगा। आप यहाँ पर अपना
सब कुछ देख सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करके आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको आंसर